हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत में कोरोना महामारी पर दो बड़ी भविष्यवाणियां की गई हैं, जानते हैं कौन कौन सी है ये भविष्यवाणी, क्या इनका सार है ये भी समझिए। भविष्यवाणी का आधार है कोरोना से जुड़े डेटा और गहन रिसर्च। देखिए, इन भविष्यवाणियों को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इन भविष्यवाणियों का सार ये है कि भारत में अगले महीने यानी मई में कोरोना का प्रकोप काफी हद तक कम हो जाएगा। सब ठीक रहा तो 18 जून को देश कोरोना से मुक्ति भी पा लेगा। भारत में कोरोना के भविष्य को दर्शाते ये दो ग्राफ 1,30,00,000 हिंदुस्तानियों के लिए उम्मीद की नई किरण है। पहला ग्राफ सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के रिसर्च पर आधारित है और दूसरा भारत सरकार की गणना पर। दोनों ग्राफ में एक समानता है, दोनों बता रहे हैं कि मई का महीना भारत के लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। मई का महीना कोरोना महामारी से मुक्ति का महीना साबित होगा। सबसे पहले बात SUTD यानी सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के भविष्यवाणी की। इस भविष्यवाणी के मुताबिक भारत में 21 मई तक कोरोना 97% तक खत्म होने का अनुमान है। यही नहीं, स्टडीज के मुताबिक भारत में संक्रमण पूरी तरह से 18 जून तक खत्म होने का अनुमान है। यूनिवर्सिटी की स्टडी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वायरस के फैलने की रफ्तार का विश्लेषण किया गया है। ये डेटा मरीज के ठीक और संक्रमित होने पर आधारित है। स्टडी में ये भी अनुमान लगाया गया है कि दुनिया से वायरस को 100% खत्म होने में 8 दिसंबर तक का समय लग सकता है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी की यह स्टडी कितनी सही साबित होगी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, मगर ये स्टडी कुछ उम्मीदें जरूर जगाती है, क्योंकि इटली और स्पेन को लेकर इस स्टडी में जो आंकड़े दिए गए वो वास्तविकता से काफी करीब नजर आ रहे हैं। अब बात अब तक के अनुभव और आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार की तरफ से पेश की गई गणना की। इस गणना के मुताबिक लॉकडाउन के पहले हफ्ते 24 से 30 मार्च के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के मामले 5.2 दिनों में दोगुने हो रहे थे। दूसरे हफ्ते 31 मार्च से 6 अप्रैल में केस बढ़ने की रफ्तार थोड़ी बढ़ गई और ये महज 4.2 दिनों में दोगुनी होने लगी। तीसरे हफ्ते 7 से 13 अप्रैल में 6 दिनों में, तो चौथे हफ्ते 14 से 20 अप्रैल में केसों के दुगने होने की रफ्तार 8.6 दिन हो गई। इसके बाद 21 अप्रैल से शुरू हुए पांचवे हफ्ते में अब तक के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना संक्रमण के मामले 10 दिनों में दुगने हो रहे हैं। भारत सरकार की इस गणना में देश में कोरोना महामारी के चरम पर पहुंचने की तारीख 30 अप्रैल बताई गई है और फिर ये तेजी से घटते हुए 16 मई को अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएगा, यानी वही हफ्ता जिसमें कोरोना के 97% खत्म होने की भविष्यवाणी सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ने की है। कोविड-19 पर बनी भारत सरकार की हाई पावर्ड कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर VK Paul और सिंगापुर यूनिवर्सिटी की स्टडी में एक बात कॉमन है। दोनों ही इस बात का अनुमान लगाते हैं कि भारत में मई माह तक कोरोना महामारी का प्रकोप काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर मोर्टैलिटी रेट ग्लोबल एवरेज जो है वो 7% है, तो हमारा आज भी 3.1% बना हुआ है। 3 दिन के डबलिंग रेट की मैं बात करूं तो ये 10.5 है, यानी लगातार हमारी जो देश में स्थिति है वो इम्प्रूव होती जा रही है। अभी भी जो हमारी सेकेंड फेज है लॉकडाउन की, उसमें हम मिडिल स्टेज में हैं, और क्योंकि असर अगले 14 दिन 15 दिन 20 दिन भी चलेगा, तो हमारा ये असर मई के पहले से दूसरे हफ्ते तक भी दिखे। तो इंतजार कीजिए मई के महीने का, जब भारत कोरोना पर विजय का पर्व मनाएगा। लेकिन याद रखिए, कोरोना का जानलेवा वायरस काबू में तो आ सकता है लेकिन ये खत्म नहीं होगा, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानी ही इससे बचाव का एकमात्र तरीका है। जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है, भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी, उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी, मुझे विश्वास है कि भारत की यह पीपल ड्रिवन लड़ाई, इसकी जरूर चर्चा होगी।